वाजिब वाजिब है, तो आप अपने नाम से ना करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से करेंगे, कभी पाक के नाम से करेंगे, तो वो वजूब आपका अदा नहीं होगा। आप अपने नाम से पहले कुर्बानी कीजिए, फिर अगर ज्यादा आपके पास पैसा है तो आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कीजिए, पैगंबरों के नाम से कीजिए, पीराने राम के नाम से कीजिए, और सिफात के नाम से कीजिए, वही नवाज के। लेकिन आपके ऊपर अगर वाजिब है तो पहले अपने नाम से आप कीजिए, आपके ऊपर वाजिब। और घर में जितने लोग मौजूद हैं, 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, 10 लोग हैं, अगर 10 लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब है तो सबकी तरफ से कुर्बानी करना वाजिब है। ऐसा नहीं है कि एक के नाम से हो गए तो सब वही हो गए। और लोग ऐसा सोचते हैं, हाँ तो अक्सर ऐसा होता है कि एक साल बाप के नाम से कुर्बानी हो गई, फिर दूसरे साल अम्मा के नाम से किया, तीसरे साल दादा के नाम से नहीं। हर साल कुर्बानी वाजिब है, और घर में जितने लोग हैं, साहिब हैसियत है, सब लोगों के नाम से कुर्बानी, ठीक है। बहरहाल ये थोड़ा सा पैगाम था आप तक पहुंचाया, दुआ कीजिए अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और बोलने से ज्यादा सुनने से ज्यादा उसके ऊपर अमल करने की तौफीक रब्बी अता फरमाए। हाँ तो अभी सब लोग बस वक्त होने वाला है, 8 बजे का वक्त दिया गया था, 5 बजे के बाद होगी इंशाअल्लाह इज़्ज़त राखी। सब लोग खड़े हो जाए और संपत्ति कर दे, सब लोग खड़े हो जाए, कंधे से कंधा मिला दे और संपत्ति कर दे, सब लोग खड़े हो जाए, कंधे से कंधा मिला दे, संपत्ति कर दे। रेलवे की तरफ, बस डिपो की तरफ, जहां जहां लोग मौजूद हैं, सब लोग मोहब्बत के साथ खड़े हो जाए, कंधे से कंधा मिला ले, सब बंदी कर ले, सब सीधी कर ले, और सब के अंदर बैठ नहीं होना चाहिए, जगह नहीं होनी चाहिए, सब लोग कंधे से कंधा मिलाए, जिसको जहां जगह मिले मोहब्बत के साथ बैठ जाए। हमारी इंतजामिया कमेटी के लोग आपकी रहनुमाई कर रहे हैं, खिदमत के लिए हाजिर है, आप हजरात उनका साथ दें, उनका काम करें। अब आखिर में नियम और नमाज ईद उल अजहा का तरीका आप हजरा समाप्त फरमाए। अब बैठ जाइए, मोहब्बत के साथ बैठ जाइए, 5 मिनट बाकी है, 5-6 मिनट बाकी है, अभी सब बत्ती हो गई है, मोहब्बत के साथ बैठ जाए। अब नमाज का तरीका और उसकी नियत मोहब्बत के साथ समाप्त फरमाए।